थोड़ा फ़र्क लग रहा है ना, क्लीन लग रहा है ना मेरा चेहरा। तो गाइस आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी। शरीर को ठंड में यार ये क्या होना है साहब का। गाइस इन लोगों ने कल क्या पी दी, बोली एनुअल की हवा। आज तो डांट पड़ेगी मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कुछ। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाक, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एनो व्लॉग्स पर। तो दोस्तों मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से कर रही हूँ और अभी अर्नव ट्यूशन नहीं गया है, मैं नाश्ता वास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बाकी थोड़ा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह, और उसको ट्यूशन भेजने के बाद मैं नहाना धोना पूजा पाठ करूँगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, देखिए आज मैं अपने फेस पर लगाऊँगी बेसन। तो बेसन किस तरह से लगाते हैं मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए पहले मैंने अपना फेस पूरा अच्छे से साफ से फेस वॉश से क्लीन कर लिया है और उसके बाद अब मैंने क्या करा है, थोड़ा सा कच्चा दूध और बेसन और उसमें थोड़ा सा दो चुटकी के बराबर आटा मिक्स करके उसका लेप अपने फेस पे लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर ले, अगर आप फेस वॉश यूज करते हैं तो फेस वॉश से, नहीं तो खाली ठंडे पानी से अपना फेस धो ले, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना है फेस पे। ये देखिए गाइस मैंने अपने फेस पे लेप लगा लिया है, 10 मिनट में सूख जाएगा और उसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है अपना फेस। ये देखिए गाइस मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया है बेसन, मैंने ज़्यादा गाढ़ा लेप नहीं लगा रखा है, पतला पतला लेप ही बनाया था मैंने, और जिससे कि ये जल्दी सूख जाएगा और आसानी होगी आपको धोने में। जब सूखने लगे ना दोस्तों तो बिल्कुल भी आप बोलना मत, क्योंकि स्किन पर जोर पड़ता है तो फिर झुर्रियाँ पड़ती हैं इससे, इसलिए आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी। इसे डेली ट्राई करिए, देखिए आपके फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि इसमें देखिए बेसन भी फेस के लिए अच्छा है और बेसन ज़्यादा टाइट हो जाता है फेस पे लगाने से, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा आटा भी ले रखा है। और कच्चा दूध तो वैसे भी फायदेमंद होता है चेहरे के लिए, उसको तो आप वैसे भी कितनी सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगी, पहले आप इसे ट्राई करिए। अगर आपके फेस पे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर। गाइस देखिए मैंने मुँह धो लिया है अपना ठंडे पानी से, ये देखिए फेस मेरा, आप लोगों को थोड़ा फ़र्क लग रहा है ना, क्लीन लग रहा है ना मेरा चेहरा। तो गाइस आप लोग भी ट्राई कीजिए, घरेलू नुस्खा है ये, बहुत अच्छा बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए इससे जो सांवलापन होता है, हल्का हल्का जैसे लगता है कि हमारा फेस काला पड़ रहा है या हमारे फेस पे दाने हो रहे हैं, तो आप लोग लगा सकते हैं इसको। तो मैंने नाश्ता भी बना लिया है और मैंने आज बना रखी है अर्नव के लिए पूरी और खीर, क्योंकि अर्नव को पूरी बहुत पसंद है। ये देखिए अर्नव कर रहा है नाश्ता, अर्नव की तैयारी करा रही है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, मैं फटाफट काम करती हूँ, लेट हो रहा है। और ये अर्नव के पापा भी हो रहे हैं रेडी, ये देखिए हेलो बोल दो। हेलो। मेरे फेस में कुछ लग रहा है, साफ लग रहा है एकदम, चेहरा साफ लग रहा है, दाने हो रहे हैं ना मेरे फेस पे, लग रहा है यहाँ पे हो रहे हैं ना हल्के हल्के, नहीं तो सही है। मुझे लगा मेरे फेस पे दाने हो रहे हैं तो मैंने आज लगाई बेसन, फर्क पड़ रहा है ना थोड़ा। तो गाइस आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरे बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, अभी मैंने कुछ काम नहीं कर रखा है, अपने कमरे में नहीं कर रखा है, बाकी सब जगह कर लिया है मैंने, अपने कमरे का कुछ नहीं कर रखा है अभी। और मैं अर्नव को रेडी करती हूँ फटाफट, लेट हो रहा है, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। अभी नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ करना है क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं भी अपना सारा काम करती हूँ और नहाना धोना करती हूँ। तो गाइस मैंने नहा धोकर पूजा पाठ कर ली है और देखिए मैंने अपना कमरा भी साफ कर लिया है और सारा काम भी कर लिया है। तो अर्नव भी ट्यूशन से आने वाला होगा अब, तो ले चलते हैं आप लोगों को बाहर और दिखाते हैं मम्मी लोग क्या कर रहे हैं। आगे की साइड को गए हैं दुकान की तरफ को, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, चलते हैं। कहाँ तो मैंने जानबूझ के नहीं बनाई, अरे मैं कल की बात कर रही आ रही, कल की तो कह रही हूँ मैं, कल की अगर बना सोनू बहुत होशियार है, अपन फैन में किलो भी ऊंची हूँ, वो पागल कह रहे हैं जी दादी ठोर चुकी मैं, मेरे को भी पिलाओ बढ़िया, तुम बेकार ये मजा नहीं आया इसमें, जरा तो जहर चाचा ने पिलाई क्यों आपको, तो मैं पीते ही क्यों थी, चाचा लाई इन्होंने वहां जूस थे, मैं कहा ठीक से ठीक रात ही सोता था, एक एक और पीते, मैं कहा नहीं पीते, एक आध घंटे रुक जाते हैं और सामने पिए एक बजता का छोड़ दिए, अब मैं दुकान में लगी तो छोड़ दिए, मेरे हलवा तल गया है ठंडो,
शरीर को ठंड में भाभी मेरा ना पेट में इतनी ठंडक हुई थी मैंने कहा यार ये क्यों होना हिसाब किताब और ऐसे पकड़िया बहुत दो थे गाइस इन लोगों ने कल क्या पी दिया था भंगोटा कल भंगोटा खाया चाचा नहीं याद नहीं होगा चाची आपको आपने बेहोशी में खाया हो गए ना बाथरूम में 4:30 बजे निकली उनसे खाना नहीं खाया गया खाना मेरे से भी नहीं खाया गया मेरे दिन में खाना ही नहीं खाया खाओ हाँ हाँ इन्हें भी ऐसे ही करा इन्हें मम्मी को पिलाओ मम्मी को मैं कह रही थी मेरे को चखाने के लिए हमें भी देना चखने के लिए अच्छा हो रहा होगा वो तब खा ली अतुल और अर्णव के पापा ने मिलकर दोनों ने मिलकर भंगोटा भी लाया उसमें सब कुछ डाल रखा था केसर बादाम ड्राई फ्रूट्स वगैरह और इतना टेस्टी हो रहा था चाची कह रही थी चीनी इतनी चीनी ही नहीं डाल रखी थी बहुत टेस्टी हो रहा था पीने में एक बार पिया तो और मांगा फिर तो नशा ही चढ़ गया आप लोगों ने भी किसी ने पिया है भंगोटा हाँ पिया होगा काफ़ी लोगों ने पिया होगा ना तो कल का दिन ऐसा रहा इन लोगों का गाइस अर्णव ट्यूशन से आ गया और ये देखिए मास्क लेके आया है देखा दिखा दे गाइस हेलो बोल दो डर जाएंगे लोग क्या लाए हैं ये देखिए गाइस ये सर खुजलाने वाला लेके आया तुम्हारे में तो आई नहीं है शेड में बैठा लो तुम लेता तो तेरे लिए थोड़ा प्यारा दूसरा है क्या होने है अदौल तेरा अपने मम्मी ने जूड़ा बना रखा है ना मम्मी ने जूड़ा बना रखा है गाइस देखिए दिखाओ मेरे साथ करके करके दिखाओ ये देखिए गाइस अपने अपने खुद करो भैया लो इधर देखो ये देखिए गाइस ये सर खुजलाने वाला ये देखिए हेलो बोल फिर कैप लाए अपने लिए होली के लिए ना अरे वाह कैसे लग रहे हैं गाइस इसे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं मम्मी देखो कैप लेंगे दिखाओ मम्मी को दिखाओ अरे भूख नहीं लगी अच्छे है ना देखो इधर कपड़ा पूरा पूरा अच्छा बना है कहाँ से लाए आपने भी दिख रहा है मैं जूड़ा बना रखा है ना टाइट से अरे वाव अरे ना बाल दिखा आपने दिखा वाव अरे ना ये दिखा अरे ना मैंने क्या बोला मैंने कहा उसको फाड़ना मत कहा तो गाइस ये लोग आ गए हैं ट्यूशन से तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ फिर मिलते हैं आपसे गाइस मेरा खाना बन चुका है और मैंने बनाया है आज मटर पुलाव तो देखते हैं कुकर खोलते हैं देखते हैं कैसा हो रखा है मटर पुलाव और आज तो डांट पड़ेगी मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कुछ देखिए मेरा मटर पुलाव कैसा बन गया इसमें मटर ही मटर है पूरी और ये देखिए ये तो ऐसा हो रहा है तैर रहा है ये तो ये देखिए गाइस ये क्या बन गया
यम्मी टेस्टी टेस्टी मटर पुलाव बन गया आज। देखते हैं खाने में तो अच्छा ही होगा, वैसे जो मैं बनाती हूँ अच्छा ही होता है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।